जितने भी मुसलमान हैं वो इंडोनेशिया के खिलाफ इहतजाज करें, ये देखें। आऊज बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया से गरीबी ख़त्म होती जा रही है और लोगों के पास पैसा बहुत हो रहा है। उसी के साथ साथ बड़े बड़े फितने भी दुनिया में जन्म ले रहे हैं। दोस्तों, आप जो ये अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो इंडोनेशिया का है। दोस्तों, इस वीडियो में देख सकते हैं इंडोनेशिया के एक पार्क में खाने काबा जैसी एक इमारत बनाई गई है और उसके साथ साथ मकाम इब्राहिम भी बनाया गया है और मताफ भी बनाया गया है और हजर असवद भी बनाया गया है। दोस्तों, जब गूगल पर इस बारे में सर्च किया गया तो वहाँ पर ये लिखा हुआ मिला कि ये खाने काबा जैसी दिखाई देने वाली इमारत खाना काबा नहीं बल्कि मस्जिद बनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दे, खाना काबा जैसी कोई इमारत कहीं और बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे लोग गुमराह हो सकते हैं और ऐसा हो चुका है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ। 2016 में कीनिया के अंदर भी वहाँ के लोगों ने खाने काबा की तरह एक इमारत बनाई थी और फिर वहीं पर कई लोगों ने उसका तवाफ भी किया था। और दोस्तों, आपने ये वाकया भी सुना होगा कि अबरहा ने यमन में दूसरा काबा बनाया था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अबाबिल परिंदों को भेजकर उसे और उसकी फौज को तबाहो बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, इंडोनेशिया के उलमाए कराम को चाहिए कि इस बात पर गौर करें और इस बारे में लोगों को समझाएं। दोस्तों, आपको बता दें, इंडोनेशिया में ज्यादातर मुसलमानों की तादाद है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है, देख कर बड़ी हैरानी होती है। दोस्तों, व्हाट्सएप फेसबुक पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो हम मुसलमानों के बहुत काम आते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वीडियो है तो आप हमारे फेसबुक पेज से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।